दोस्तों, आज हम आपको यह सोलर प्लांट दिखाने के लिए इसलिए लाए हैं कि बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोलर प्लांट कैसे लगाएं, कितना सोलर लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि हमें जो एनर्जी सोलर से मिलनी चाहिए थी वह एनर्जी नहीं मिल पाती। तो कैसे हम अपने घर पर या प्रतिष्ठान पर सोलर प्लांट लगाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखें, ये आज मैं आपका दोस्त अरविंद आपके अपने YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल के माध्यम से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। बहुत अहम जानकारी जो कहीं से नहीं मिलती या कुछ लोग जानबूझकर छुपाते हैं, वे सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। किस एंगल में पैनल को लगाया जाए। कुछ लोग कंपास लिए घूमते रहते हैं और कंपास के हिसाब से पैनल लगा देते हैं और अक्सर वो पैनल अक्सर करके उनको गलत लगाते हैं। अगर कंपास के हिसाब से आज मैं इस पैनल को लगाऊंगा तो इसका जो ढलान है, इसका जो स्लोप है वो ऐसे नहीं बल्कि ऐसे आएगा, ऐसे स्लोप आएगा अगर कंपास के हिसाब से मैं इसको लगाऊंगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है इनको लगाने का, इनका ढलान देखने का, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया और आसान तरीका है। कोई भी इस प्रकार का कोई डब्बा या कोई चकोर गुटका इस तरीके से कोई ले लीजिए। घर में गिलास होता है, गिलास ले लीजिए। कोई बोतल मिल जाए, कोई बोतल ले लीजिए और उसको पैनल पर इस प्रकार रखिए। पैनल के बीचों बीच इस डब्बे को रख लीजिए और ये कार्य 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सबसे बढ़िया रहता है। और समय होना चाहिए 12 से 12:30 के बीच का। एक डब्बा ऐसे रखिए और देखिए कि इसकी परछाई किसी और नहीं जानी चाहिए। अगर परछाई जा रही है तो अपने पैनल को इस तरीके से एंगल दीजिए कि वो परछाई समाप्त हो जाए। जैसे तुम देख रहे हैं इस समय इसकी कोई परछाई नहीं है डब्बे की, तो इसका मतलब मान लीजिए कि इस पैनल का एंगल बिल्कुल सही है। यदि आप आजकल लगाना चाह रहे हैं पैनल तो ध्यान रहे दिन में 12 से 12:30 के बीच एक डब्बा लीजिए। आजकल भी लगा रहे हैं उसको ऐसे रख लीजिए, क्योंकि आजकल सूरज झुका हुआ होता है तो थोड़ी सी परछाई इसके अपोजिट साइड में रहने दें। यदि आजकल लगा रहे हैं, गर्मी के मौसम में लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ऐसे कुछ भी रख करके आप इसको देख सकते हैं, इससे आपको पैनल के एंगल का पता लगेगा। और दोस्तों, और क्या क्या कमियां होती हैं कि हमको सोलर की पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती। लोग बहुत महंगे बहुत खर्चा करके पैनल ले आते हैं, मोनोपर्क ले आते हैं, बाई फेसियल ले आते हैं और उन बहुत महंगे पैनल का भी हमको उतना एनर्जी नहीं मिल पाती, उतना हमारी बिजली नहीं बच पाती जितना उन पैनल से बचनी चाहिए थी। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं। मैं इस प्लांट का जो करंट नीचे जा रहा है, जहाँ बैटरी लगी हुई है, मैं वहाँ पर भी आपको लेकर जाऊँगा और दिखाऊँगा कि इस केवल ये 1800 वाट का पैनल है, केवल इस 1800 वाट पैनल से हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कैसे लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कंपनी वाले जो बैटरी भी बनाते हैं, इन्वर्टर भी बनाते हैं, कैसे अपने इन्वर्टर को भी बचाते हैं, बैटरी को भी बचाते हैं और कस्टमर का पैसा लग जाता है, उसको पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, ये जो सोलर प्लांट आप देख रहे हैं सभी पैनल पॉलीपर्क पैनल है। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से, बहुत जल्दी एक वीडियो हमारा आने वाला है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीपर्क, मोनोपर्क और बाईफेशियल पैनल क्या हैं, इनमें क्या अंतर है, किन किन जगहों पर हमें मोनोपर्क लगाना चाहिए, किन जगह पर हमें पॉलीपर्क लगाना चाहिए और कहां पर हमको बाईफेशियल पैनल लगाना चाहिए। एक वीडियो जो बहुत जल्दी आने वाला है उसके माध्यम से ये सारी बातें भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं जहां सोलर प्लांट का करंट इन वायर के द्वारा नीचे बैटरी में जा रहा है। जहां आप देख रहे हैं 4 बैटरी लगी हुई हैं। इन चार बैटरियों पर ही हमने 2 इन्वर्टर अलग अलग लगाए हैं। 3 किलोवाट का यह इन्वर्टर है, 3 किलोवाट का यह इन्वर्टर है। वैसे तो क्या होना चाहिए था कि दोनों इन्वर्टरों पर अलग अलग 4 एक इन्वर्टर पर और 4 एक इन्वर्टर पर होनी चाहिए थी। कस्टमर को अपने सोलर की पूरी एनर्जी क्यों नहीं मिल पाती, क्यों नहीं उसका बिजली का बिल कम हो पाता, दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने पैनल तो बहुत ज़्यादा लगा लिए होते हैं, 2000 वाट या 3000 वाट पैनल लगा लिए होते हैं, और एक कंट्रोलर लगा, हमने बहुत सारे कंट्रोलर अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के, ल्यूमिनस का, सुकैम का और सभी कंपनियों के हमने कंट्रोलर यूज किए। लेकिन होता क्या था कि 10 बजे यह कंट्रोलर कट ऑफ कर देता था और हमारा दिन भर पैनल फ्री रहता था। होता क्या है कि कंपनियों ने कंट्रोलर इस तरीके से बनाए हुए हैं, 56 वोल्ट पर जाते ही यह उसको कट ऑफ कर देते हैं और फिर हमारा सोलर पैनल से बैटरी चार्ज नहीं होती, सोलर पैनल बंद रहता है, और 50 से नीचे वोल्ट जाने पर ही दोबारे से कंट्रोलर ऑन होता है। तो होता क्या है कि दिन भर हमको 50% एनर्जी ही मिल पाती है, अन्यथा सोलर कंट्रोलर या सोलर इन्वर्टर उस पैनल को कट ऑफ ही रखता है। यह जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं यह 3-3 किलोवाट के, बल्कि हैवी ड्यूटी 3 किलोवाट में, यह हमारी कंपनी के ही बने हुए हैं। माइक्रोवेव हम कभी अपनी कंपनी का ऐड नहीं करते, हमारे सभी प्रोडक्ट होते हैं स्टेबलाइजर, इन्वर्टर और बहुत हैवी ड्यूटी बनते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही दिखाने यहाँ पर लाया था कि कैसे हमने 4 ही बैटरी पर 48-48 वोल्ट के 2 इन्वर्टर लगाकर, इन्हीं बैटरी पर आप एक इन्वर्टर चाहें तो और भी लगा सकते हैं, उसी हिसाब से आप सोलर बढ़ा लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये मिल जाएगी कि कैसे हम एक बैटरी पर 2 इन्वर्टर या 3 इन्वर्टर लगाकर सोलर पैनल बढ़ाकर बिल बचाया जा सकता है। कंपनियां अपने सोलर इन्वर्टर या सोलर कंट्रोलर इस तरीके से डिजाइन करती हैं, क्योंकि वो कंपनियां बैटरी भी बनाती हैं तो वो अपने सोलर कंट्रोलर या सोलर इन्वर्टर को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि ना तो बैटरी पर ही ज़्यादा लोड पड़े और ना ही इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड पड़े, बैटरी भी अपनी गारंटी पूरी कर जाए और इन्वर्टर भी ख़राब ना हो, जिससे कंपनी का सर्विस का पैसा बचता रहे, कस्टमर को बैकअप कम मिले ज़्यादा मिले इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। इंडिया में इन्वर्टर से संबंधित जो भी प्रोडक्ट इस समय बन रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कंपनियां सभी अपने प्रोडक्ट को बचाने में लगी हुई हैं कि बैटरी भी गारंटी में ख़राब ना हो, इन्वर्टर भी गारंटी में ख़राब ना हो। कोई भी कंपनी आज की तारीख में इन्वर्टर के संबंध में R&D की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे रही हैं, सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की सेल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। बहुत सारे व्यूवर्स की ये समस्या है, बहुत व्यूवर्स ने कमेंट किए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वह चार्जिंग का कट दिखा देता है, अर्थात बैटरी को फुल चार्ज दिखा देता है और उसके बाद भी हमको बैकअप ज़्यादा नहीं मिल पाता और नहीं हमारे बिजली बिल पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो उसका यही कारण है कि पैनल तो ज़्यादा लगा लिए और ज़्यादा पैनल लगने से, ज़्यादा एम्पियर आने से बिना चार्ज किए ही इन्वर्टर उसको फुल चार्ज दिखा देता है, जबकि बैटरी फुल चार्ज नहीं होती। इससे तो बेहतर ये होता है कि अगर हम 100-200 वाट पैनल भी लगा लें तो उससे कम से कम बैटरी रेगुलर चार्ज होती रहती है। ज़्यादा पैनल लगाने से हमें कुछ भी लाभ नहीं हो पाता। तो कंपनियों को क्या चाहिए कि बैटरी चार्जिंग का कट लगवाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि बैटरी के वोल्ट भी मेंटेन रहें, जैसे कितने समय तक सोलर ने हमको करंट दिया तो टाइम को भी मेंटेन करके चलना पड़ता है, बैटरी की ग्रेविटी पूरी हुई है या नहीं हुई है इस बात का ध्यान रखते हुए भी चार्जिंग का कट लगना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इन्वर्टर को चाहिए कि वह एक सही तरीके से ही चार्जिंग कट ऑफ करे। ऐसा ना हो कि बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं है, वोल्ट पूरे हो गए और इन्वर्टर ने चार्जिंग का कट ऑफ करके बंद चार्जिंग कर दिया और जैसी लाइट भागती है 1-2 घंटे के बाद में हमें बैटरी डाउन दिखाने लगता है, इन्वर्टर बैकअप पूरा नहीं मिलता। तो ये बहुत सारी कमियां हैं। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें दोस्तों, जिससे कि कंपनियों को लगे कि नहीं अब कस्टमर जागरूक हो चुका है और मार्केट में वही प्रोडक्ट रुकेगा जिसमें क्वालिटी होगी, जिसमें दम होगा, जो सर्विस कस्टमर को अच्छी दे पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, सभी को नमस्कार।